हम तो जितने भी लोग हैं, घमंड तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन गर्व जरूर है, जो कुछ नहीं भी मिला बच्चों ने उसे पूरा कर दिया। निश्चल शब्दों के साथ आज का दिन आप लोग एंजॉय कीजिए। कुंडी गांव का नाम है, अब तो पहले रोड बनेगी तब नीतीश जी वहाँ जाएंगे, पुल पुलिया बनेगी तब तारकिशोर प्रसाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ जाएंगे। एक्स एमपी तारिक अनवर ने विद्या विहार का ही एडवर्टीजमेंट को लिया और पूरा फैला दिया, उनके पीछे तो आप कारवां चलेंगी। लेकिन हम लोगों को जरूर गर्व होना चाहिए, जो भी बच्चे क्रैक करते हैं उसके चारित्रिक निर्माण में हमारा कहीं ना कहीं अहम योगदान है। हम अपने हाथ से अपना पीठ जरूर छिपा पाए। धन्यवाद। Today, really, I consider that my stars are in the heaven. The stars of this school are in heaven. And it has paved way for the millions and for the years to show that a boy who is sitting quietly and calmly in the class should not be taken lightly. He is observing the teacher. He is grasping each and everything what you do. And we got the result. How fortunate we are today that we are going to celebrate Silver Jubilee celebration. And this is the greatest gift, sir. हम लोगों को बहुत बड़ा gift मिला है। हमारे लिए वरदान। और हम सभी शिक्षक को, चाहे हम नए हैं या पुराने हैं, विद्या विहार से जुड़ गए तो कम से कम अपने नसीब पर भी गर्व कीजिए। क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या पीछे छूटा, इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ से निकलते हैं आपको पता चल जाता है आप क्या हैं। आपके बच्चे जब आपके सामने आते हैं, और एक चीज तो जरूर है कि जब बच्चा अपना बचपन यहाँ बिताया है तो कहीं ना कहीं विद्या विहार कॉन्ट्रीब्यूट जरूर किया है उसके मेंटल में। उसको वो एक गीली मिट्टी की तरह आया था, हम लोग जरूर चाहे हमने उसे 11, 12 में पढ़ाया हो ना हो, पर बेसिक यहाँ हाउस मास्टर्स, क्लास टीचर, सब्जेक्ट, यहाँ का वातावरण उसे तो अंदर से स्ट्रांग बनाया ही है। उसने लिखा कि द मैन, द मिथ, द लीजेंड, लीजेंड सब मुझे घायल कर दिया। सचमुच उसने लीजेंड साबित कर दिया। मैन तो था, मिथ तो वो था ही, क्योंकि जब क्लास में हम देखते थे तो ऐसा कोई खास हमें नजर नहीं आता था, पर वर्क आपको देखा, क्वेश्चन करता था बहुत कम, जेन्यून क्वेश्चन, ऐसा नहीं वो लड़का डम डॉल की तरह बैठे रहता था, चुपचाप ऑब्जर्व करता था। मुझे उसका बचपन की तस्वीर जब मैं देखती हूँ तो मुझे क्लास का थर्ड या सेकंड रो में बैठता था, और मुझे पूरा ख्याल है कि वो हल्का मुस्कुराता था। बातचीत बहुत कम, डिस्टर्बेंस तो करता ही नहीं था, डिसिप्लिन तो था ही, पर क्वेश्चन एकाध करता था मेरी क्लास में, एक आदमी और जेन्यून क्वेश्चन होता था। अब फिर से सोच रहे कितने साल यहाँ गुजर गए, हम जो रह गए, लेकिन सबकी बात में याद आ रही है कि रह गए तो जरूर हमें मिल गया, इसी चीज़ की हमें ज़रूरत थी सर, और हम लोगों को मिल, जो चीज़ हम लोग चाह रहे थे वो मिल गया। मैंने लिखा है तो आप सभी मित्रों को सूचित करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि जिस छात्र ने आज पूरे बिहार वासियों को यूपीएससी टॉपर होकर गौरवान्वित किया है, इसके शिक्षक एवं उसके हाउस मास्टर होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त किया है। कहा गया है सर्वदूर जयमिच्छेद पुत्रात् से पुत्रात् शिष्यात् पराजय, अर्थात एक पिता एवं एक गुरु की यही हार्दिक इच्छा होती है कि सब जगह मेरी जीत, सब जगह मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे रहूँ, लेकिन मेरी संतान और हमारा शिष्य वो हमसे आगे, एक पिता और एक जाकर गुरु की जाकर चलिए, तो हार्दिक इच्छा ही है। एक और भी गौरव की बात यह है कि एक और हमारा छात्र एवं बिहार का लाल आदित्य कुमार भी मैं भी यूपीएससी की इस बार की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। अक्सर हम शिक्षकगण छात्रों की योग्यता एवं प्रतिभा का प्रमाण पत्र उन्हें देते रहते हैं, बहुत ही गौरतलब बात है, अक्सर हम शिक्षकगण विद्यालय छात्रों की योग्यता एवं प्रतिभा का प्रमाण पत्र उन्हें देते रहते हैं, लेकिन आज वो दिन शुभम आदित्य जैसे छात्रों ने हम शिक्षकों को हमारे अध्यापन एवं छात्रों के प्रति स्नेह और समर्पण का प्रमाण पत्र देकर हम शिक्षकों को गौरवान्वित किया।
लेकिन इस सुखद अनुभव के साथ उसके शिक्षक होने के नाते शुभम एवं आदित्य जैसे बिहार के लाल को तथा समस्त बिहार वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। साथ ही बिहार के सभी छात्रों से आह्वान करता हूँ कि कदम चूम लेती है खुद आकर मंजिल, कदम चूम लेती है खुद आकर मंजिल, अगर जज्बा हो दिल में मुझ पर दिखाने का, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम। इसके बारे में क्या कहूँ, बहुत सारी बातें कहने के लिए, समय भी निश्चित बात है एक उचित समय नहीं, सारी बातों को रखना उचित होता है। मितम जसारम जो बच्चों ही बात मिलता है, एक्चुअल हो, सार्वजनिक हो, समय कम हो। इसके बारे में अगर कहूँ तो मुझे जाकर के जो है फ्रॉस्ट की मतलब जाकर चंद पंक्तियाँ उनकी याद आ रही है, जिसका पद्यानुवाद हरिवंश राय बच्चन ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। तो गहन सघन मनमोहक बलतक वायु की इस लड़के ने पहले आया नहीं किया, संतुष्ट नहीं लगा, यहाँ जाके तो पढ़ाओ है मंजिल नहीं, इसे लगा कभी मंजिल नहीं हुई। फिर आई एस कर लिया, उसमें भी 219 रैंक, लोग जाकर 500,000 के अंदर आ जाता है तो अपना सौभाग्य समझता है, फिर भी ये संतुष्ट नहीं। तो गहन सघन मनमोहक बढ़कर हमको आज लुभाते हैं, किंतु किए जो हमने वादे याद हमें आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम, अभी कहाँ आराम बजा, यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी सोने से पहले नीलो मुझको चलना है, अरे अभी सोने से नीलो मुझको चलना है। इसका की भूल है तो उड्स आर लवली डार्क एंड डीप, उड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई सी, एंड माइल्स टू बिफोर आई सी। ऐसा ही लड़का, ऐसा ही इसका जज्बा, और ऐसे जज्बों के लिए फर्स्ट साहब ने शायद ये पंक्तियाँ जाकर की जो है बढ़ी होगी कि मत पूछो कि मेरी मंजिल है कहाँ, मत पूछो कि मेरी मंजिल है कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया, न हारूंगा हौसला उम्र भर कभी मैं, किसी और से नहीं खुद से। I think now time has come when we can say Vidya Vihar School has got its own identity. Now Vidya Vihar School is having its own identity. अब किसी को बोलने की जरूरत नहीं है किसी स्कूल को फॉलो करता है किसको पीछे चलता है क्या देखे चलता है ना, विद्या विहार स्कूल सब सफिशियंट है, इसका अपना है आप ही इसका एक नाम हो गया। अब हम लोग सब सोच बोल सकते हैं पढ़ा में विद्या विहार नहीं, क्योंकि विद्या विहार के चलते पढ़ा पूर्णिया को जाना जाता है, पूर्णिया इज नाउ नोन फॉर विद्या विहार, नॉट दैट विद्या विहार इज नोन फॉर पूर्णिया, विद्या विहार इज नोन फॉर एंटायर पूर्णिया कमिश्नरेट, बिकॉज एंटायर पूर्णिया कमिश्नर इज नोन फॉर विद्या विहार, या एक समय आ जाएगा बोलेंगे बिहार पूरा बिहार जाना जाएगा विद्या विहार की, दैट टाइम इज नॉट वेरी फार। ये आप सबों की इसमें देन है, बच्चे कक्षा कर रहे हैं। एज आई मेंशन इन द बिगिनिंग ऑफ माय जॉइनिंग, द फाउंडर्स इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, रीजन, टीचर्स, staff gave the strong foundation to the school, of this school that invited and attracted the present teachers to accompany, to join this school. I am thankful. Now I am recalling the person of our regional officer, Shri Jagdish Barman ji. When he with his wife visited the entire campus and in my stay of 6.5 years, I saw the first person dignitary. He honestly visited the entire campus. Entire means entire. He said, ये नेतरहाट से अच्छा निकल गया। I conveyed it to our honorable secretary also. It gave him the immense pleasure and satisfaction. And since my joining
I was listening everything about Netarhat, Netarhat and Netar. Even in the programs, it is highly dominated by the reasons, thoughts and everything. And it is desirable. They deserve for it. They motivated their student to open and establish a good school like Vidya Vihar. So we are thankful to the Netarhat Vidyalaya and its thought process, line of action. We should not forget it. We cannot compare ourselves with them. They are our leaders. They are like our parents. Certainly, though they might have been feeling much better that our children, our students developed the school, established the school, and now they are showing the path to us also, means to them also. Now, Netarhat Vidyalaya shifted into CBSE system. So first batch appeared this time, they faced some problems. Now the past is past. We will be competitor and we will be leading forward to Netarhat Vidyalaya also. It's our firm determination and the vision. It's our belief. So to achieve that, to get that much more brighter students, we will have to take care that we prepare ourselves, learn. The process of learning always exists in three types. First is learn, second is unlearn, and then relearn. This is the time we will have to execute the second and third part, unlearning and learning, relearning. We as a teacher should take care of first the two things of students. Number one, what is his belief and what is his value? When the belief is guided by the value, it will turn into the vision. When vision will be fixed, then through the school's vision, which will be combined with shared vision of the school, हमारे मार्गदर्शक आप शिक्षक शिक्षिकाओं कुछ विद्यार्थी कुछ गार्जियन से फीडबैक प्राप्त हुआ और वो बहुत अच्छा, उसी के आधार पर आज हम सब चल रहे हैं। एक शुभम, एक आदित्य और अनेक बच्चों का नाम, ये ऑटोमेटिकली अपनी गति से आते रहेंगे। हमारा लक्ष्य और विश्वास सिर्फ एक ही होना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी सीख सकता है, प्रत्येक विद्यार्थी सीख सकता है। ईच एंड एवरी चाइल्ड कैन लर्न एंड फॉर दिस वी विल हैव टू टीच द थ्री फंडामेंटल्स, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। कुछ चीजें मैं जब सीखता हूं तो नई चीजों को सीखने के लिए पहले को भूलना पड़ता है। जब आप भूल जाएंगे तो पुनः नई तरीके से जब सीखेंगे तो बड़ी चीज को सीखेंगे। व्हाट दिस चाइल्ड शोन टू अस। इस स्कूल के बेस पर इतना बड़ा महान खड़ा हुआ है और
आज से बहुत सालों पहले जब शुभम को लेकर के यहाँ टेस्ट दिलाने के लिए हम आए थे, हम और मेरे भैया भाभी, उस समय हम अनमेरिड थे, तो लोगों ने पूछा कि क्या आप तैयारी करवाए हैं शुभम की। तैयारी तो अभी तो पटना से लाए ही हैं उसको, हम हाई क्लास में था वहाँ से लाए हैं, तो हमको तो अब यहाँ का कुछ अनुभव है नहीं, लेकिन सुनते हैं बहुत अच्छा स्कूल है, तो देखते हैं ट्राई करना चाहिए, तो हम ट्राई कर तो जरूर करें। तो उनका विचार था कि हम लोग तो अपने बच्चे को साल साल भर से तैयारी करवा रहे हैं तो हो नहीं रहा, हुआ नहीं, तो आप तो क्या सोचते हैं कि 10 दिन में आपका बच्चा पास कर जाएगा वहाँ, तो ट्राई करने में जाता क्या है, हम तो अभी यहाँ लाए हैं, जो होगा अभी तो देखा जाएगा, हम तो पहले ट्राई करेंगे वहाँ पर। तो कुछ गाइड किए हम अपने से, बाबू इस तरह का सवाल हो सकता है, बोला तो हाँ हो जाएगा, करने में सब पढ़ा हुआ है। टेस्ट दिया, रिटर्न पास किया, इंटरव्यू पर हिट आया, फिर हम तीनों आए बुलवाने के लिए इंटरव्यू, और बच्चे का इसके पहले था तो बच्चे जा रहे थे 5-7 मिनट में बाहर आ रहे थे, शुभम की बारी आई, ये घुसे और बहुत देर जब हो गई तो हम गार्ड को बुला के पूछे कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 20 मिनट हो गया, बच्चे तो 5-7 मिनट में निकल रहे हैं, ये लगता है जवाब नहीं दे रहा है, अंदर में जाकर के चुपचाप हो गया। बच्चा बहुत भला भला था, एकदम सीधा था, तेज तो था लेकिन बहुत ही सीधा था, तो लगता है कि जवाब नहीं दे पा रहा है, और बहुत 20 मिनट हो गया अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, निकला नहीं बच्चा अभी तक, मेरा बोला कि वो समझे कि हो गया, वो कैसे जाएगा। तो कुछ ही देर में मान्य वासुदेवन जी का फोन आया, उसमें मैं डायरेक्टर से यहाँ के बुलाया कि इनके महापुर माता पिता कौन है, तो मेरे भैया भाभी गए और बोले देखिए रिजल्ट तो अभी आना बाकी है, लेकिन हम आपके बच्चे के रिजल्ट अभी देते हैं और इनको लाने की तैयारी करिए आप। तो शुभम के लिए जो 10 मिनट का क्वेश्चन था वो पूरा हो चुका था, बोला 10 मिनट हम एक्स्ट्रा टाइम लिए और ये रुका नहीं, और उनका एक ही ख्वाब है कि हमको IAS बनना है, क्लास 6 में एडमिशन के लिए हम लोग प्रयास करें। तो बच्चा रुका नहीं, इसकी अंतिम ख्वाहिश पूछिए तो बोला कि हमको IAS बनना है, तो IAS का एग्ज़ाम कौन संस्था लेती है ये भी पूछे तो बोला कि UPSC लेती है, बोला कि वहाँ वो अटका, शुभम से बोले शुभम तुमको तो पता होना चाहिए, शायद हम बताए थे, बोला चाचा जी हमको पता था कि UPSC लेती है एग्ज़ाम, लेकिन UPSC का फुल फॉर्म पूछने के बाद हम नहीं बता सकते, इसलिए हम बोले ही नहीं। यदि आपसे पूछ जाता कि UPSC का फुल फॉर्म बताओ तो हमको तो आता नहीं था, तो हम बोल दिए कि हमको तो नहीं आता है, कौन एग्ज़ाम लेती है संस्था इसको। तो बहुत अच्छा लगा और अनबिलीवेबल जो यहाँ पर प्रेस हुआ, तो हम बयान नहीं कर सकते हैं कि शुभम तो पटना में था 2 से 5 तक, तो वहाँ भी अच्छा कर रहा था, और यहाँ जो आया तो यहाँ पर बोला चाचा जी हम जब यहाँ आए हैं तो हमको यहाँ पर किसी को कमज़ोर समझ ही नहीं रहे हैं, यहाँ तो सारे तेज ही हैं, तेज में ही कोई 19-20 होता है ना, तुम पटना में रहे तो पटना की बात अलग, अब तुमको यहाँ पर कड़ा मुकाबला करना है, अब तुमको कड़ा फाइट करना है, ये तुमको सोच लो। तो चाचा जी यहाँ तो कोई कमज़ोर है ही नहीं, 110 बच्चे हैं तो हमको तो कोई कमज़ोर नहीं बुझाता है, किसको हम पछाड़े, लेकिन उसी में कोई पछड़ेगा, और तुमको प्रयास करना है, पछाड़ना है, और पछड़ेगा कैसे नहीं, तुम मेहनत करोगे तो तुम जरूर आगे जाओगे। तो 6th क्लास में वो शायद 10वां रैंक लाया था फाइनल, देखिए ये उतना संतोषजनक नहीं है, फिर भी कुछ है, तुमने मेहनत किया है और प्रयास करना है, आगे चांस अंडर 5 रैंक लाया, उसके बाद शायद 1-2-3 में वो चलता रहा। तो हमको याद है घटना, और हमको लगा कि किस किस हिसाब से यहाँ पर बच्चे को बूस्ट किया जाता है, हम सोचे, बच्चा तो नहीं समझ पाया लेकिन हम सोचे। हम आए थे पेरेंट्स मीटिंग में तो सुबह हम बहुत नाराज दिखा, चाचा जी हमको बहुत गुस्सा है यहाँ पर, क्यों गुस्सा है। तो हम एक दिन क्लास से जा रहे थे, हमारे हाथ से बुक से गिर गया, तो हमको संस्कृत टीचर बोल रहे थे क्या तुम बकवास की तरह लगते हो, किताब नहीं संभाल सकते हो, तो क्यों डांटे, किताब किसी से भी गिर सकता है, हमने कहा गिर सकता है किसी से भी सकता है, तो हमको डांटे, लेकिन अच्छा कोई बात नहीं टीचर है तुम्हारा वो डांट सकते हैं, उनका आशीर्वाद भी होता है, नहीं हम नहीं, हमको खराब लगा। बहुत समझाने के बाद किसी तरह शांत हुआ, वो कहता है हम उनको दिखा देंगे, वो हमको डांटे ना हम उनको दिखा देंगे। और सच पूछिए संस्कृत पेपर में
जब तक वो रहा 10th तक, उससे हाईएस्ट मार्क्स दूसरा लड़का मिला सर। हम उनको दिखा देंगे और दिखा दिया। वो घर गया, हमको संस्कृत पढ़ना है, टीचर हमको टीच करना है संस्कृत, हमको टीचर लेना, टीचिंग लेना है। संस्कृत टीचर को बुलाए, बोला कि सुबह हमको सब कुछ आता, हम पढ़ाए तो क्या पढ़ाए इसको, फिर भी हम बोले फिर भी आप आइए, आप इसको देखिए। बोला कि इसको सब कुछ आता ही है तो हम क्या उसके लिए हम आ रहे हैं, बोले बस जब तक वो घर पर है आपको खाली आना है, आपको देखना है। और उसके बाद वो उसका आकलन का तरीका है, वो मैक्सिमम आकलन नहीं करता है कि हमारा इतना माल समझना चाहिए, नहीं, वो मिनिमम का आकलन करता है कि मिनिमम हमारा क्या आना चाहिए। जब तक यहाँ रहा, हर खंडे गांव से पहले वो हम उससे पूछते थे कि अच्छा बताओ तुम्हारा फला फला पेपर में कितना मार्क्स आएगा, तो चाचा जी इसमें 97, इसमें 98, इसमें 98.5 आना चाहिए, इसमें 100 आ जाएगा। अनबिलेबल उतना ही मार्क्स आता था, एक सब्जेक्ट में भी 0.5 का अंतर नहीं होता था, जितना वो खाता था उतना आता था। और यही उसके आकलन का तरीका हम लोग आज तक समझ नहीं पाए कि कैसे आकलन करता है, कि इतना ही तो इतना ही आता है। तो इस बार भी कल बात भी से सुबह कल रिजल्ट बोले हाँ चले, कल रिजल्ट आ जाना चाहिए, आना तो चाहिए था आज ही, लेकिन आज नहीं कल आएगा। तो हम बोले कि अंडर 100 का तो चांस बनता है, बोला अंडर 100 का तो चांस बन रहा है, अंडर 50 होगा कि नहीं ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, कि अंडर 50 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम इसमें श्योर नहीं हैं, लेकिन अंडर 100 होना चाहिए। बहुत बहुत गुड गोइंग, वी शुड पुश मोर, वी हैव इम्प्रूव सिंस दिस बॉयज पास्ड आउट, वी हैव अ बिगर टीम, वी हैव एनहांस्ड फैसिलिटीज, वी हैव added various resources to our school, so why can't we surpass this achievement? And today we should recommit that we will match these achievements and surpass wherever possible in terms of this is a national level achievement, and we can have doubt international level achievement to surpass it. Thank you.